नारेबाजी कर रहे ये लोग कोई और नहीं बल्कि शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी को ग्रीन के ड्राइवर हैं। दरअसल इन्हें पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। आरोप है कि आज जब इन ड्राइवरों ने वेतन किए जाने की मांग की तो कंपनी के अधिकारियों व सुपरवाइजर पहले तो इन्हें धमकी देने लगे। जब ये लोग धमकी से नहीं डरे तो सुपरवाइजर ने एक ड्राइवर पर हाथ छोड़ दिया और उसे धक्का देकर गिरा दिया। गनीमत रही कि ड्राइवर को मामूली चोट लगी है। इस बात से खफा होकर ड्राइवरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। नाम है आपका? मेरा नाम फारूक अली है। क्या घटना हुई है आज? घटना हुई है, हम लोग को तनख्वाह देने के लिए टाइम दिया था। जो हमारा सीनियर ऑफिसर है, उसने सबसे बड़ा सीनियर ऑफिसर है, उसने बताया था शुक्रवार को हम लोग को मीटिंग बुलाया था। उसने बताया शुक्रवार को तनख्वाह आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो पक्का सोमवार को आएगा। मंडे को तनख्वाह तो हमारा पक्का आ जाएगा। तो मंडे को तनख्वाह नहीं आया तो मंगलवार को हम लोग को हड़ताल करना था, लेकिन हमने किया नहीं। सब ड्राइवर भाई मिल हो गए, चलो आज कर दो, गाड़ी चला लो, मंगलवार को नहीं करना, बुधवार को हम करेंगे हड़ताल, क्योंकि तनख्वाह देगा नहीं। ये गोली मार रहा है कि आ जाएगा कल आएगा, नहीं दिया। तो आज हो गया बुधवार, हम सारा भाई इकट्ठा हो गए, गाड़ी नहीं निकला, हड़ताल कर दी। तो हमारा सीनियर ऑफिसर 2-4 आया था, उसके बाद हमने मना नहीं, क्यों ये पहले भी आया था कि आ जाएगा कल आएगा, उसके बाद नहीं मना। जब बड़ा सीनियर ऑफिसर उसका बाद में कोई भरोसा नहीं है तो ये तो छोटा मोटा है, उसका बाद में क्या भरोसा है। तो इसलिए हम किसी का बात नहीं माना। एक है राहुल कादीपुर का, राहुल ने बताया कि गाड़ी निकालो, तो हमने बताया भाई गाड़ी निकालेंगे, लेकिन गाड़ी कैसे निकालो, हमारा तनख्वाह दिलाओ दो। बोला 15 तारीख को आ जाएगा। तो 15 तारीख को आ जाएगा क्या सबूत है? और कितना महीने का आएगा? बोला 1 महीने का आएगा। मैंने बोला कि भाई 5 महीने का तनख्वाह है, 1 महीने का तनख्वाह दे रहे हो, हम तो सारा आदमी से कर्जा लेकर 20,000 रुपये कर्जा ही हो गया, अब तनख्वाह आएगा मेरा 11,000 से 11,500 रुपये, हम किसका दूं? कम से कम 2 महीने का तनख्वाह आ जाए तो हमारा चलो गुंजाइश चल जाएगा कि कंपनी थोड़ा मुसीबत में चल रहा है। ये भी बोल सकता है कि कंपनी थोड़ा मुसीबत में चल रहा है कि 2 महीने का तनख्वाह दे दिया तो हमारा धीरे धीरे सब दे देंगे, ये भी नहीं बोला। जब हम उसका बात नहीं माना तब उसने गुंडागिरी करने लगा, कोई ड्राइवर भाई का हाथ लगा दी, धक्का हो गया, उसका मारपीट करने के लिए धमकी दिया कि लाट भी लगेंगे, 10 मिनट में यहाँ से खाली करो नहीं तो लट लगाएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। क्या घटना हुई है आज आपके साथ? सर हम गुड़गांव इको ग्रीन में काम करते हैं ड्राइवर, वहाँ पे पिछले 4-5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही। जब हमने तनख्वाह के लिए बोला तो बोले कि आज देंगे कल देंगे, 15 तारीख 20 तारीख, ऐसे करके 4 महीने निकाल दिए। फिर जो हमारे से सीनियर हैं मैनेजर साहब, उन्होंने सोमवार का नाम लिया, सोमवार को तनख्वाह नहीं आई। फिर जैसे आज हमने तनख्वाह के लिए बोला तो वहाँ पे वार्ड 13 के सुपरवाइजर राहुल, उससे बातचीत हुई तो उसने ऐसे धक्का मारा तो मैं गाड़ी में जाके लगा, और उसने फिर बोला कि अभी सो ड्राइवर बुला दूंगा, तुम्हारी जगह किसी और को लगवा लेंगे, और मारने पीटने की धमकी दी। आप लोग पुलिस थाने गए थे, वहाँ पे क्या रहा आपकी शिकायत? वहाँ पे उन्होंने शिकायत नहीं ली, उन्होंने बोला कि आपका ऑफिस बेरीबाग है राजीव चौक, तो वहाँ शिवाजी नगर थाने में आपकी कंप्लेंट ली जाएगी, यहाँ नहीं ली जाएगी, और ये घटना कादीपुर की है। तो अभी आप लोग वहाँ पुलिस के पास और कोई कंप्लेंट लिखित में दे के आए हैं? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लिया। क्या कहा उन्होंने यार? एक थाने में आपको क्या कहा गया, कहाँ भेजा गया आपको? उन्होंने बोला कि आपका ऑफिस शिवाजी वो लगता है थाना शिवाजी नगर, वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट करो। लेबर कोर्ट की कहाँ से बात आई इसमें? लेबर कोर्ट की तो हमने आपस में ही तनख्वाह के लिए जा रहे थे वहाँ पे कि हमारी तनख्वाह डल जाए, ये 4 महीने से परेशान है, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे, टीचर ने उनको निकाल दिया स्कूल से, ठीक किराए पे रहते हैं, मकान वाली भी टॉर्चर करते हैं। तब भी बोला था सर, तब उन्होंने तारीख दी थी और आज तक तारीख ही दे रहे हैं।